सो हेलो दोस्तों, आपका हमारे UPPCS 2019 के क्रैश कोर्स में स्वागत है। सो आज 15वां दिन है। सो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश एट अ ग्लैंस। सो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए UPPCS एग्ज़ाम के लिए। सो डेट वी डिस्कस टुडे, दैट इज़ द पार्ट वन। सो आज पहला पार्ट है इसका जो हम डिस्कस करेंगे। माई नेम इज़ निहित किशोर। सो लेट्स स्टार्ट विद आर डिस्कशन। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द PDF। सो इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश के जो प्रोविंसेस हैं, उत्तर प्रदेश कैसे फॉर्म हुआ, तो याद रखेंगे यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश फॉर्म हुआ। तो उत्तर प्रदेश डे जो बोलते हैं, जैसे कि बिहार डे, उत्तर प्रदेश डे, हर स्टेट का अपना एक अलग दिन होता है जिस दिन वो बना होता है। तो उत्तर प्रदेश का सेम है 26 जनवरी 1950। सो दैट्स द डे। तो रिपब्लिक डे ही के दिन ही जो उत्तर प्रदेश है वो बना था, फॉर्म हुआ था। ओके, अब बात करते हैं इसकी कैपिटल की। सो कैपिटल पहले इसकी आगरा थी, उसके बाद इलाहाबाद भी रही है। तो लेकिन 1921 से जो कैपिटल है वो उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ। सो यू हैव टू नो दिस थिंग कि उत्तर प्रदेश की क्या क्या पहले कैपिटल रह चुकी हैं और क्या प्रेजेंट में कैपिटल है। ओके, अगर बात करें स्टेट लैंग्वेजेस की, सो स्टेट लैंग्वेजेस फर्स्ट लैंग्वेज जो है यूपी की वो है हिंदी, एंड द सेकेंड वन इज उर्दू। स्टेट एनिमल एंटीलोप, स्टेट बर्ड क्रेन और सारस, स्टेट ट्री अशोका ट्री, सो रिमेंबर द नेम ऑफ द ट्री, इंपॉर्टेंट है। देन स्टेट फ्लावर पालस, देन स्टेट गेम ऑफ यूपी इज हॉकी। सो दीज आर द बेसिक थिंग यू हैव टू नो। एंड स्टेट एम्बलम, जैसे इंडिया का एक नेशन का एक एम्बलम है, ऐसे हर स्टेट का भी एक एम्बलम है। सो टू फिश इन अ सर्कल एंड वन बो एंड एरो इज द स्टेट एम्बलम ऑफ यूपी। अब लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। एंड कितने मेंबर्स इलेक्ट होते हैं राज्यसभा से, राज्यसभा से यूपी में, यूपी से कितने होते हैं राज्यसभा के अंदर, 31। ठीक है, एस सी एस टी के लिए लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, 17 सीट्स हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब कितने विधायक या कितने एमएलए चूज किए जाते हैं यूपी से, 403 प्लस वन नॉमिनेटेड, जो गवर्नर नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन से, कम्युनिटी अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो। नेक्स्ट इज, तो पहली लेजिस्लेटिव असेंबली कब फॉर्म हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 1952। तो 1952 में पहली बार इलेक्शंस हुए थे हमारे यहाँ पे, सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो तभी से 1952 से ही पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बनी थी। तो सेम याद रखेंगे डेट। एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि राज्यसभा होती है नेशन लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी काउंसिल होती है जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंदर मेंबर कितने, 100। सो याद रखेंगे यहाँ पे 100 एंड 80 इज द इन द सॉरी 100 and 103। ओके, एंड अगर एम पीज की बात करें तो 80 आते हैं और राज्यसभा के लिए 31 चूज हो जाते हैं एम पीज। ओके, और इस उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कब फॉर्म हुई थी, 1866 में हाई कोर्ट बनी थी उत्तर प्रदेश की। ओके, सो दैट्स द थिंग, लेट्स सी द नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फैमिली कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स इन यूपी, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये याद रखेंगे कितने डिविजन्स हैं, एक क्वेश्चन भी था एक टेस्ट सीरीज में मैंने देखा था जहाँ पे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कितने डिविजन्स हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो वन ऑप्शन इज गिवन, 18 डिविजन्स एंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स, और 15 डिविजन्स एंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये कन्फ्यूजन की चीज़ होती है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपको डिविजन, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट्स कितने लेकिन आपको डिविजन नहीं पता, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। सो डिविजन कितने, 18। ओके, एंड सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, लार्जेस्ट डिवीजन भी यू हैव टू नो, पूछ लेते हैं। कानपुर एंड लखनऊ सबसे बड़े हैं डिवीजन, एंड कमिश्नर बैठता है वहाँ पे। स्मॉलेस्ट डिवीजन है सहारनपुर, डिस्ट्रिक्ट 75 है। तहसील याद करने की जरूरत नहीं है, अर्बन बॉडीज याद करने की जरूरत नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 16, नगर पालिका, नगर पंचायत। ओके, हाँ विलेज पॉपुलेशन, टोटल विलेज सॉरी टोटल विलेज कितने हैं, 10,700 सॉरी 1,74,52, 1,74,52 आर द विलेजेस। एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, ये याद रखना जरूरी है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। एंड फर्स्ट गवर्नर इज श्रीमती सरोजनी नायडू, पहली गवर्नर रह चुकी हैं ये सरोजनी नायडू, ये याद करना बहुत जरूरी है, हर चीज़ फर्स्ट यू हैव टू नो। और जो प्रेजेंट हैं वो, फर्स्ट विधानसभा स्पीकर राजर्षि
पुरुषोत्तम दास टंडन, टंडन साहब जो हैं वो थे, टंडन से याद रखेंगे। देन विधान परिषद चेयरपर्सन इस चंद्रबाल, ये याद रखना जरूरी है। पहला चीफ जस्टिस कौन था आफ्टर इंडिपेंडेंस जो चूज किया गया था, जस्टिस कमलकांत वर्मा, यूपी से हैं। फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी, सुचेता कृपलानी, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। पहले लोकायुक्त, करेंटली लोकायुक्त वगैरह बनाए गए हैं तो पहला लोकायुक्त याद रखना जरूरी, पूछ सकते हैं, जस्टिस विश्वाम्भर दयाल। ओके नेक्स्ट इज लेट सी, अब लोकेशंस देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल ट्रेट्स देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। सो लोकेशन की बात करें तो एक्सटेंड करता है 23 डिग्री एंड नॉर्थ लेटिट्यूड से 30 डिग्री एंड 25 नॉर्थ लेटिट्यूड, एंड जो लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री टू 84 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड है एंड लेटिट्यूड से ये। एंड शेप की बात करें तो लॉइन शेप है, नॉट कोई नहीं पूछेगा इसे। एरिया कितना है पूछ सकते हैं, कि परसेंटेज में भी याद रखेंगे और नॉर्मली भी वैसे पता होना चाहिए। तो 7.33% ऑफ इंडिया का जो एरिया, टोटल एरिया है 7.33% कहाँ का, यूपी का है। ईस्ट टू वेस्ट कितनी लेंथ है, तो दैट इज 650 किलोमीटर। ब्रेथ नॉर्थ टू साउथ 240 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज हाँ, एरिया वाइज किस किस रैंक पे आता है, फोर्थ रैंक पे, तो राजस्थान, उसके बाद एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर एंड फोर्थ लोकेशन, फोर्थ पॉइंट, देन फोर्थ इज यूपी, उत्तर प्रदेश आता है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट एरिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हाईएस्ट एरिया, तो खेरी, एंड संत रविदास नगर सबसे छोटा एरिया वाइज लोकेशन है, मतलब इन यूपी का सबसे छोटा एरिया जिसका है वो है श्री संत रविदास नगर, और सबसे बड़ा खेरी। नेबरिंग स्टेट, 9 नेबरिंग स्टेट हैं, 8 स्टेट्स प्लस 1 यूटीज मिला के टोटल 9 है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एंड नेपाल एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है यूपी। ओके तो यू हैव टू नो दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ओके सो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट विद नेपाल 7 है, याद करने की जरूरत नहीं, शायद पूछे भी नहीं पूछेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेगा कितने हैं जो नेपाल के साथ करते हैं, बस पूछ सकता है कि जो बाउंड्री स्टेट्स कौन कौन सी हैं। तो दो नाइन जो 8 स्टेट्स हैं, यू हैव टू नो द नेम एंड 1 यूनियन टेरिटरी। रिवर कौन कौन सी हैं, जो रिवर हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घग्गर, केन एंड बेतवा। केन एंड बेतवा ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, गंगा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी फिर यमुना बन जाती है, फिर रामगंगा, गोमती, घग्गर, सारी प्रिंसिपल रिवर्स हैं। यू हैव टू नो द नेम ऑफ द रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन द यूपी। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो मेनली वार्म क्लाइमेट जोन होता है, रिमेन हॉट ड्यूरिंग द समर मंथ्स, एंड 3 सीजन्स होते हैं स्टेट के अंदर, समर, रेनी, विंटर सीजन। ओके रेनफॉल तराई एरिया जो होता है उसमें 150 सेंटीमीटर। देन ईस्टर्न प्लेन एरिया इज 112 एंड मिडिल प्लेन 94 और वेस्टर्न प्लेन एरिया 84 सेंटीमीटर, साउदर्न हिल पैटी एरिया 91 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, गोरखपुर के अंदर, सबसे कम होती है मथुरा के अंदर। हमेशा याद रखेंगे जब भी ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे हमेशा रेनफॉल कम होगी, तो अगर ये गोरखपुर ईस्ट में है तो ईस्ट टू जब भी वेस्ट किसी स्टेट के अंदर कहीं भी मूव करेंगे तो हमेशा रेनफॉल घटेगी। ओके सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर, नो ही पूछेगा। वेजिटेशन में वेट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड थॉर्नी फॉरेस्ट। टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया यूपी का कितना है, 9.01% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, 2011 की FSI रिपोर्ट है, दैट इज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। तो टोटल एरिया फॉरेस्ट एरिया 21,720 किलोमीटर स्क्वायर, तो डेट इज द एरिया। नंबर ऑफ नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 24 है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ जो 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, एक बार गूगल पे जाकर देखेंगे कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस पर्टिकुलर एरिया में लोकेट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो जूलॉजिकल गार्डन हैं, सर्च इट कौन कौन से हैं। सॉइल जोन्स की बात करें तो एल्यूवियल सॉइल, ओल्डर एल्यूवियल भंगार बोलते हैं, न्यूयर एल्यूवियल एल्यूवियल सॉइल को कद्दर, मिक्सड रेड एंड ब्लैक सॉइल प्लेटियो एरिया। तो कितने एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है एग्रीकल्चर के बेसिस पे, दैट इज 9, तो याद रखेंगे, पूछ सकता है। कौन कौन सी क्रॉप होती है, पैडी, वीट, बारले, मिलेट, मेज, उड़द, मूंग, अरहर, शुगर केन। प्रिंसिपल फ्रूट्स मैंगो, गुआवा। परसेंटेज ऑफ पीपल 65% जो इंगेज एग्रीकल्चर के अंदर, नेट इंगेज इन एग्रीकल्चर नेट कल्टिवेटेड एरिया 16,593,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट इरिगेशन नहीं पूछेंगे इतना,
हाँ, कितना परसेंट किससे वाटर सोर्सेज, इरिगेशन सोर्सेज हैं? तो सबसे ज़्यादा है हमारा ट्यूबवेल से, नेक्स्ट इज कैनाल्स, आफ्टर दैट टैंक्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड अदर्स ऑप्शन सबसे लास्ट में. एंड नेक्स्ट इज सबसे ओल्डेस्ट कैनाल कौन सी है स्टेट की? तो द नेम ऑफ द इज ईस्टर्न यमुना कैनाल. एंड लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम, सबसे लंबा कैनाल सिस्टम किसका है? शारदा का. तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में पूछा भी गया है कि लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम किसका है. तो केबीसी नैनो की टेस्ट सीरीज, उसके अंदर पूछा था कि लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम यूपी का किसका है? दैट इज शारदा, शारदा. तो लेट्स सी. हाँ, सीलिंग एक्ट कब आया था? लैंड सीलिंग एक्ट पूछ लेते हैं, बहुत बार टेस्ट सीरीज में मैंने पूछा, टेस्ट सीरीज में देखा था कि जो एक्ट्स वगैरह में पूछ लेते हैं कि पहला सीलिंग एक्ट कब आया या जमींदारी एक्ट कब अप्लाई हुआ यूपी के अंदर. तो 1968 सीलिंग के लिए. सो किस किस चीज़ में यूपी एग्रीकल्चर के अंदर टॉप में? टोटल क्रॉप एरिया सबसे ज़्यादा यूपी का है, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन यूपी, टोटल वीट प्रोडक्शन यूपी में सबसे ज़्यादा होती है, टोटल शुगर केन मिल्क वीट एंड लाइव स्टॉक इन सब में पहला है, पल्सिस में थर्ड है, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे एमपी है, सेकंड आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर सेकंड पे कौन है, आई थिंक आंध्रा है शायद, लेकिन थर्ड पे यूपी है. एंड फोर्थ देन टबैको प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, एंड राइस प्रोडक्शन पे भी सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे आई थिंक बंगाल है राइस में. ओके, सो मिनरल्स की बात कर लेते हैं. तो लाइमस्टोन मिर्ज़ापुर, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मिर्ज़ापुर में ही मिलती है, मिर्ज़ापुर रीजन, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर एंड बांडा कोर मिर्ज़ापुर. सिलिका सैंड, सिलिका को याद रखेंगे, अलाहाबाद, ललितपुर, ये झांसी के पास है, नीचे शायद झांसी के नीचे ललितपुर. कॉपर, बॉक्साइट, बंदा एंड वाराणसी एंड पायरोक्लास्टिक, झांसी एंड हमीरपुर एंड मार्बल मिर्ज़ापुर, एंडलस्टाइन मिर्ज़ापुर. ज़्यादातर का आंसर देखिएगा मिर्ज़ापुर ही है, बस कुछ याद रखेंगे, सिलिका, सिलिका सैंड, सिलिका सैंड, अलाहाबाद. तो ऐसे याद कर लीजिए कि दो रिवर का मर्जर होता है अलाहाबाद में, अलाहाबाद संगम बोलते हैं प्रयागराज को, तो वहाँ पे प्रयागराज में, प्रयागराज, तो वहाँ पे सिलिका सेंट ज़्यादा मिलेगी क्योंकि तो ज़्यादा दो रिवर्स एक साथ मर्ज करें. तो इस तरीके से कुछ बेटे करके याद करना है, जस्ट नथिंग एल्स. ललितपुर कॉपर जो है वो सबसे बिल्कुल साउदर्न बाउंड्री, साउदर्न साइड में, बिल्कुल समझ लिए एमपी बॉर्डर के पास है ये, तो ललितपुर, तो वहाँ पे कॉपर मिलेगी. तो नेक्स्ट इज बॉक्साइट, बॉक्साइट वाराणसी एंड बांदा एंड झांसी में पायरोक्लास्टिक एंड हमीरपुर में पायरोक्लास्टिक, मार्बल मिर्ज़ापुर एंड एंडलस्टाइट मिर्ज़ापुर. इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते थे हम, तो शुगर इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे हैं? देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ एंड शाहजहानपुर. तो सबसे बड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट शुगर इंडस्ट्री जो है इस समय जो बनी है, मतलब शुगर मिल जो बनी है वो गोरखपुर के अंदर बनी है. तो याद रखेंगे, नवंबर के करंट में डिस्कस भी किया था ये. ओके, तो इसे पूछ सकते हैं गोरखपुर का क्वेश्चन. नेक्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हाथरस में है, लखनऊ में है, मोदी नगर, इटावा, अलीगढ़, नैनी, इलाहाबाद के पास है. सिल्क इंडस्ट्री में वाराणसी, इटावा. वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बरदोई, गोपीगंज, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद, आगरा, खमीरिया. एंड जूट इंडस्ट्री, कानपुर, सहजानवा, कानपुर, आगरा, सहारनपुर, ये सब पढ़ लेंगे एक बार आपके, तो यू कैन इजीली इफ़ यू एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट है, तो डेट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल टू यू गाइज. सो नेक्स्ट सिगरेट इंडस्ट्री याद रखें क्योंकि सिंगल है, सहारनपुर याद देंगे, सहारनपुर में सिगरेट इंडस्ट्रीज हैं. एंड देन मिर्ज़ापुर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री रेणुकूट में, ये जो जो सिंगल है वो तो एटलीस्ट याद रखेंगे ताकि एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर. ओके, तो हैंडलूम की इंडस्ट्रीज की देखी है. नेक्स्ट इज ये आप पढ़ लीजिएगा अपने आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना रिलीजन, 79% हिंदूज हैं, रूलर कितने हैं, नो ये ऐसा कुछ नहीं पूछता. हाँ, सेंसस याद रखना बहुत जरूरी है, सेंसस से बहुत क्वेश्चन आता है. टोटल पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़, सॉरी 2 करोड़, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, आई थिंक 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है यूपी की, 19 करोड़ समथिंग. तो परसेंटेज ऑफ ऑल इंडिया पॉपुलेशन 16% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन पॉपुलेशन में. टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है? दैट इज 10,44,80,510. एंड टोटल फीमेल पॉपुलेशन 9,53,31,831. एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 829. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? 829, ये याद रखेंगे कितनी डेंसिटी पॉपुलेशन की, 829. सेक्स रेशियो की बात करें तो 9:1:2 सेक्स रेशियो है यूपी का.
डिकेडल इंक्रीज है 20.02% की, रूरल पॉपुलेशन 77% है, अर्बन पॉपुलेशन 22% है, टोटल लिटरेसी रेट 67% 67.7% 0.7% भी याद रखें क्योंकि इसमें कन्फ्यूज कर लेंगे, 0.75 करके पूछ सकता है, स्टेट एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते। टोटल मेल लिटरेसी 77.3%, फीमेल लिटरेसी 57.2%, रूरल लिटरेसी 65.1 75.1, अर्बन लिटरेसी ओके। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63%, एंड एक बार आप रिवाइज कर लेंगे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्पोर्ट्स सेंटर की बात कर रहे थे, मास्टर चंदागी राम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सफाई इटावा के अंदर, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अमिताभ बच्चन रहने वाले इलाहाबाद के, तो इस तरीके से याद करेंगे लोकेशन कि इलाहाबाद, अमिताभ बच्चन रहने वाले कहाँ के थे, इलाहाबाद के, तो इलाहाबाद में होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमेठी सुल्तानपुर, डॉक्टर भीम डॉक्टर अम्बेडकर स्ट्रॉट टर्फ हॉकी स्टेडियम ललापुर वाराणसी, मेगा टर्फ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, नवाब जुल्फिकर अली रामपुर, वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, वुमेन स्पोर्ट्स कॉलेज इलाहाबाद, के डी सिंह बाहू स्टेडियम लखनऊ, स्टेट स्कूल स्पोर्ट्स स्टेडियम इंस्टीट्यूट फैजाबाद। तो ये याद रखेंगे आप, इंडस्ट्रीज लोकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे, इनकी लोकेशन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर यूपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पक्का पूछ सकते हैं इसमें से। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर होता है, वाराणसी के अंदर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ऑफिस कहाँ पर, इंस्टीट्यूशन कहाँ पर, गाजियाबाद के अंदर है, एच ए एल का लखनऊ और कानपुर में है, त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड नैनियन इलाहाबाद, भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड नैनियन इलाहाबाद, इंदर लेदर एंड शू इंस्टीट्यूशन कानपुर, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर हिंदुस्तान, एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट मिर्ज़ापुर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी इलाहाबाद राय बरेली मैन कपूर गोंडा, ऑर्डनेंस फैक्ट्री ऑयल रिफाइनरी मथुरा के अंदर है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे, इलाहाबाद बरेली, तो देखिए इलाहाबाद जहाँ भी वाटर की प्रोवाइड होगा वहाँ पे आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फैक्ट्री मिल जाएगी। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, राय बरेली और लालगंज में है। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे, ये देखें चुर्क सोनभद्र दादरी सोनभद्र गौतम बुद्ध नगर राय बरेली, याद रखेंगे नाम। एटॉमिक पावर स्टेशन नरोरा, ये बुलंदशहर कौमा करके नहीं है, ये नरोरा के अंदर ही है, इस लोकेशन के पास में, सिर्फ नरोरा में, ये दो जगह में नहीं है एटॉमिक पावर स्टेशन। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन लखनऊ, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूशन लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, तो दो चीज़ याद रहेंगे, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ में कैपिटल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट की बात करें तो याद रहेंगे आईआईटी कहाँ पे, सारे आईआईटी यूपी में कहाँ पे, कानपुर के अंदर, तो इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो कानपुर में है, और अगर सिर्फ एक रिसर्च सेंटर वगैरह की बात करेंगे तो वो लखनऊ में, जस्ट ट्राई वे टू रिकॉल द थिंग्स। पल्सिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे, हमारा कानपुर एंड कल्याणपुर के अंदर, इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, हापुड़ के अंदर, तो इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, अगेन अगेन रिवाइज करेंगे, अभी टाइम है, यू कैन रिवाइज इट और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज इलाहाबाद, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जत नगर एंड बरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी NIT राय बरेली में है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर एंड बरेली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, तो जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, तभी याद होगा, नहीं होगा जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लखनऊ, बीरबल सहान इंस्टीट्यूट ऑफ पैल्यू बॉटनी लखनऊ, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल सेंटर लखनऊ, नॉर्थन बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, ओके, हापुड़ इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। सो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो सारा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब याद करने की चीज़ें, इसमें कुछ समझाना वगैरह तो है नहीं, सो रिवाइज इट अगेन। एंड मिसलिनियस फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, इको पार्क लखनऊ, एग्रो पार्क बाराबंकी एंड वाराणसी, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बाराबंकी एंड उन्नाव, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, निकीडा सिटी बिटवीन कानपुर एंड उन्नाव, प्लास्टिक सिटी कानपुर जौनपुर, लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क आगरा, इंडिया थर्ड साइंस सिटी लखनऊ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ पे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, स्मार्ट सिटी स्कीम, इंडिया फर्स्ट DNA बैंक इन लखनऊ, सॉरी एशिया फर्स्ट DNA बैंक इन लखनऊ, इंडिया फिफ्थ मेमोरी लैब इन लखनऊ, डिस्कवरी पार्क IIT इलाहाबाद, MIT लायन सफारी पार्क इटावा, हेरिटेज साइट आगरा वाराणसी, स्पोर्ट्स विलेज आगरा, एस्ट्रोनॉमिकल पार्क लखनऊ, नीम गार्डन लखनऊ,
इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड पार्किंग गोल्फ कोर्स नोएडा के अंदर है, गोल्फ कोर्स नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा बन रहा है ये यमुना एक्सप्रेसवे पे। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर पार्क ग्रेटर नोएडा, फॉजिल पार्क, कल्हान, सोनभद्र, जगदीशपुर, मेगा फूड पार्क, ट्रैफिक पार्क, कानपुर, इकोनॉलॉजिकल पार्क, इको नॉलेज पार्क, अलाहाबाद, सेंट्रल टेक्नोलॉजी पार्क, लखनऊ। ठीक है, कल्चरल फैक्ट की बात करें अगर हम तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर कब फॉर्म हुआ था कल्चर के लिए, 1957, फाउंडर ऑफ लखनऊ पेंटिंग अजीत कुमार हलदर, निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद, नॉर्दर्न सेंटर रीजन कल्चर सेंटर इलाहाबाद, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट वाराणसी। तो ये सब चीज़ें फोक आर्ट के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ फोक आर्ट वाराणसी, एंड स्टेट ललित कला कला अकेडमी, यूपी संगीत कल नाटक अकेडमी, नाट्य केंद्र, नाट्य अकेडमी, कथक इंस्टीट्यूट, सब लखनऊ में है ये। के कथक डांस का जो घराना है लखनऊ घराना है, कल्चर डांस कौन सा है कत्थक है, फोक डांस कौन कौन से हैं यूपी के, रास, झूला, मयूर डांस, ख्याल, दुबिया, पवारा, चारकुला, कर्मा, नटवरी। तो ये सब क्या है, फोक डांसेस हैं यूपी के। फेमस सिटीज ऑफ यूपी एंड देयर बाय नेम्स, अलाहाबाद संगम सिटी बोलते हैं, कुंभ सिटी, तीर्थराज, प्रयागराज, वाराणसी को सिटी ऑफ घास, विश्वनाथ सिटी, मोक्ष सिटी, काशी सिटी ऑफ पंडास, मलियाबाद को सिटी ऑफ मैंगो, सिटी ऑफ यूटेंसिल्स एंड ब्रास सिटी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद को सिटी ऑफ बेंगल्स, गाजियाबाद को मिनी दिल्ली बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं, सिटी ऑफ ताल, सिटी ऑफ पेठा, आगरा, अयोध्या, सिटी ऑफ रामा, साकेत, सिटी ऑफ लॉक्स, अलीगढ़ को बोलते हैं सिटी ऑफ नवाब, लखनऊ, गोरखधाम सिटी, गोरखपुर, सैंड सिटी, कन्नौज, कानपुर को मैनचेस्टर बोलते हैं ऑफ नॉर्थ इंडिया, लेदर सिटी भी बोलते हैं, गाजीपुर सिस्टर ऑफ काशी, बरेली, सुरमा सिटी, सुरमा मिलता है बरेली का सुरमा, गाना भी सुना होगा, मेरठ को सिटी ऑफ रेवोल्यूशन क्योंकि यहाँ पे म्यूटनी हुई थी हमारी, सिपाही म्यूटनी, और फर्स्ट नेशनल मूवमेंट भी बोल सकते हैं, सिटी ऑफ सीजर्स, रामपुर सिटी ऑफ नाइफ्स, जौनपुर, सिराज ए हिंद। फेमस टेम्पल इंपॉर्टेंट है गढ़मुक्तेश्वर टेम्पल, गाजियाबाद में लगता है, डिस्ट्रिक्ट में गढ़ के पास है, गढ़ है कि वहाँ पे मिर्ज़ापुर में है ये। विद्या वैष्णी देवी मैं टेम्पल, रंगनाथ टेम्पल वृंदावन, विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी, अन्नपूर्णा टेम्पल वाराणसी, दाऊजी टेम्पल मथुरा, गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर, गोविंद देव टेम्पल वृंदावन, लाडली जी टेम्पल राधा जी का बनारस सॉरी बरसाना मथुरा। ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम उत्तर प्रदेश से कौन कौन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, रामनाथ कोविंद है जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कानपुर से हैं, जाकिर हुसैन जो है वो भी यूपी से थे। लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे जो बन रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का उत्तर प्रदेश के अंदर है सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद वडोदरा 95 किलोमीटर 86, तो सबसे बड़ा ये आगरा लखनऊ याद रखेंगे। यूपी में की हाईलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे के की हाईलाइट देख लेते हैं। सो जीडीपी ग्रोथ टेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2024-25, तो 2024-25 तक का टारगेट है कि जीडीपी जो है हमारी वो 5 ट्रिलियन की बन जानी चाहिए। ठीक है, सो प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम है। लेट्स सी द नेक्स्ट, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिखेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो इंडिया नाउ मूव फ्रॉम स्वच्छ भारत टू स्वच्छ एंड सुंदर भारत, तो पहले स्वच्छ भारत की स्कीम अब स्वच्छ एंड सुंदर भारत हो चुकी है। वो यूनियन बजट की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जो डिस्कस कर ले से फायदा होगा। लेट्स सी, नॉट इम्पोर्टेंट, 10 पॉइंट्स विजन फॉर द डिकेड ये इम्पोर्टेंट है, बिल्डिंग टीम इंडिया विद जन भागीदारी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, अचीविंग ग्रीन मदर अर्थ एंड ब्लू स्काइज थ्रू अ पॉल्यूशन फ्री इंडिया, मेकिंग डिजिटल इंडिया रीच एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, लॉन्चिंग गगनयान चंद्रयान अनदर स्पेस एंड सेटेलाइट प्रोग्राम, बिल्डिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर वाटर मैनेजमेंट, क्लीन रिवर्स, ब्लू इकोनॉमी, सेल्फ सफिशियंसी एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स पल्सेस ऑयल सीड्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अचीविंग अ हेल्थी सोसाइटी, आयुष्मान भारत, एम्फेसाइज ऑन एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर की बात करें, गाँव गरीब एंड किसान, न्यू जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो ये न्यू जल शक्ति मिनिस्ट्री है, हर घर जल को पानी वाला जो स्कीम है फॉर ऑल रूरल हाउसेस बाय 2024 टारगेट है, जीरो बजट फार्मिंग को प्रमोट करना, एस्पायर स्कीम है फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, तो मत्स्य समझ जाएंगे, मत्स्य इज फॉर फिशीज के लिए यूज करते हैं। यूथ के लिए नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा, खेलो इंडिया, एंड वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन 20, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, न्यू हायर एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट इज नारी टू नारायणी वुमेन एस डी सेल्फ हेल्प ग्रुप इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम, भारत माला प्रोजेक्ट का सेकंड फेज स्टार्ट होगा, फेम फेम स्कीम जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, ई व्हीकल्स के लिए, उसका फेज 2 स्टार्ट होगा, नेशनल हाईवे ग्रिड बनाने की, सारे हाईवे को कनेक्ट करने के लिए बात की जा रही है। नेक्स्ट इज वन नेशन वन कार्ड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL फॉर्म करने की बात करी जा रही है, जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होगी जो स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह भेजेगी दूसरी कंट्रीज की, सो इट इज एक कमर्शियल आर्म होगी इसरो की। एंड MSP बढ़ा दी गई है खरीफ क्रॉप्स की, सो दीज आर द थिंग्स, ये बढ़ती रहती है, इसको रिवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा। तो इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $400 मिलियन विद वर्ल्ड बैंक टू हेल्प ट्रीट टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द कंट्री, सो इंडिया का टारगेट है बाय 2025 TB को फिनिश कर देना। के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, ठीक है, जिसके अंदर इट विल रिप्लेस सो तो इसके अंदर बस कुछ नहीं, डेफिनेशन चेंज करिए, आई मीन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन नॉट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज गाइस, सो थैंक यू गाइस एंड